आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है जिसकी रेजोनेंस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दे रखी है 200 हर्ट्ज, और हमने पहले इसमें O2 भर रखी थी। अब हमने क्या करा कि 2 mole of O2 और 3 mole of ozone भर दी। तो इसने पूछा कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी सेम पाइप की। तो सबसे पहले वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं टेम्परेचर और मोलर मास के साथ, वो होता है गामा आर टी बाय एम। तो यहाँ से पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास है। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट मोलर मास निकालते हैं उस पाइप का जिसमें 2 mole of O2 और 3 mole of ozone भरी हुई है। तो उसका इक्विवेलेंट मोलर मास होगा N1 into M1 plus N2 into M2 divided by N1 plus N2। N1 मोल किसके हैं? O2 के, और N2 मोल है ओजोन के। तो 2 जो O2 के मोलर मास है वो 32 होता है, 3 इंटू ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 होता है, डिवाइड बाय 5। तो इक्विवेलेंट मोलर वेट आ गया 41.8। अब कह रखा है जब इसमें ओजोन भरी हुई थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमें 200 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी जब निकालनी है तब इसकी जब 2 mole of O2 और 3 mole of ozone बढ़ दिया तो उसको मान लेते कुछ एफ डैश। तो एफ डैश बाय जब एफ निकालेंगे वो इक्वल होगी रूट ऑफ एम बाय रूट ऑफ एम डैश। एम डैश क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मोलर मास। तो एफ डैश बाय 200 इक्वल्स टू रूट ऑफ, पहले मोलर मास O2 का 32 था, अब 41.8 हो चुका है। तो जो एफ डैश की वैल्यू यहाँ से आई वाई 200 मल्टीप्लाई बाय 32 बाय 41.8, तो इसका आंसर आ गया 175.4 हर्ट्ज। बी पार्ट आंसर हो गया इसका।